गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आदर्श शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर आदर्श होम्योपैथी में। दोस्तों, हमारी बॉडी एक बहुत ही इंटेलिजेंट मशीन है। जब हमारी बॉडी में किसी चीज की कमी होती है, किसी पोषक पदार्थ की कमी होती है, तो हमारी बॉडी में कुछ साइन और सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें आने वाले समय में कौन सी बीमारियां हो सकती है, या ये कमियां या ये संकेत या सिम्टम्स किन किन बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी हमें कुछ कमियां होने पर दिखाई देती है, और ऐसे कौन कौन से नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं या नेचुरल पदार्थ हैं जिनके सेवन से या जिनको खाने से हम इन कमियों को पूरा कर सकते हैं और हमारी बॉडी को आने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला साइन होता है क्रैकिंग साउंड का। अगर आपके ज्वाइंट्स में या आपके परिवार के किसी ज्वाइंट सदस्य के ज्वाइंट में क्रैकिंग साउंड आता है, चलते समय या उठते समय बैठते समय हड्डियों में कटकट की आवाज आती है, तो ये संकेत हो सकता है आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी का। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और इस तरह की आवाज हमें साउंड्स सुनाई देने लगते हैं मूवमेंट पर और हड्डियों के बीच में। इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें सेवन करना चाहिए अधिक से अधिक कैल्शियम युक्त पदार्थों का, जैसे दूध का सेवन करें या दूध से बने अधिक पदार्थ जैसे पनीर, मावा या चक्का इत्यादि का। इनके सेवन से हम कैल्शियम की कमी को हमारे शरीर में पूरा कर सकते हैं और हमारी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ब्रश करते हैं और ब्रश करते समय आपके मसूड़ों में से खून निकलने लगता है, आपके दांत हिलने लगते हैं, तो ये संकेत हो सकता है आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी का। विटामिन सी की कमी से हमारे जो मसल्स स्ट्रेंथ होती है वो कम होती जाती है, और जहां ऐसे पॉइंट्स होते हैं बॉडी पर जैसे दांत जहां मसूड़ों से अटैच होते हैं, ऐसे जगहों पर बहुत मूवमेंट के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाती। तो ऐसी कमियों को दूर करने के लिए, विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए हमें यूज करना चाहिए विटामिन सी से युक्त नेचुरल सप्लीमेंट्स या नेचुरल फ्रूट्स, जैसे आंवला, सेब या संतरा या नींबू। नींबू पानी करें या नींबू के रस को हम मसूड़ों में लगाएं, तो इस तरह की समस्या से हम आसानी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं, लगातार बाल रूखे सूखे होते जा रहे हैं, साथ में आपको मोटापा बढ़ता जा रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है, गले के आसपास सूजन बढ़ती जा रही है, आंखों के आसपास काले घेरे आते जा रहे हैं, तो ये लक्षण हो सकते हैं आपके शरीर में थायराइड के, हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन आज बहुत ही कॉमन हो गई है और फीमेल्स में ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसकी कमी को रोकने के लिए हमें आयोडीन युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए। हमारे घर में जो नमक यूज हो रहा हो वो आयोडीन युक्त हो, उसका सेवन हमें हमारी बॉडी के लिए हमारे भोजन में बढ़ा देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप थोड़ी दूर चलने में थक जाते हैं, आपकी नाखून पीले हो गए हैं, आपकी स्किन पेल हो गई हो, हल्की सी पीली दिखाई दे रही हो, आपको चलने पर या उठने पर चक्कर आते हो, तो ये आपके बॉडी में संकेत हो सकता है खून की कमी या आयरन की कमी का। ये संकेत हो सकता है आपकी बॉडी में एनीमिया का, जिसे हम रक्त अल्पता कहते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए हमें अधिक से अधिक आयरन युक्त पदार्थ जैसे पालक, सेवफल, चुकंदर, पिस्ता और गुड़ का सेवन करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में रक्त अधिक से अधिक मात्रा में बनता रहे और इस तरह की कमियों से हम हमारे शरीर को बचा सकें। रक्त की कमी आगे चलकर बड़ी बीमारियों का रूप में बदल जाती है और इसे हम पहली स्टेज में ही इन पदार्थों के सेवन से रोक सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके नाखून के आसपास की स्किन निकल रही है, नाखून पर कुछ अलग टाइप के निशान बन रहे हैं, सफेद स्पॉट बनते जा रहे हैं, तो ये संकेत हो सकता है आपकी बॉडी में जिंक की कमी का। जिंक की कमी हमारी बॉडी में सेक्सुअल पावर को कम करती है। मेल सेक्सुअल हार्मोन्स के लिए जिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें यूज करना चाहिए हरी पत्तेदार सब्जियों को और दालों को। साबुत दाल अगर हम रात में गला के रखें और सुबह उसका सेवन करें, अंकुरित अनाज का सेवन करें, तो मूंग या चना, तुअर, तो हम इस तरह की जिंक की कमी को हमारी बॉडी में पूरा कर सकते हैं। और पुरुषों में जो सेक्सुअल हार्मोन्स में प्रॉब्लम आ रही है उनकी, या यंग लोगों में बाल जल्दी नहीं आ पाते, दाढ़ी नहीं आ पाती, तो ऐसी कमी को हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके नेल्स ब्राउन होते जा रहे हैं और नेल्स में ब्रिटल नेल्स होते जा रहे हैं, नेल आसानी से टूट जाते हैं, साथ साथ आपकी एड़ियां फटती है और क्रैक्स बहुत ज्यादा आते हैं, आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है, तो ये आपकी बॉडी में संकेत हो सकता है विटामिन B12 की कमी का। विटामिन B12 की कमी से इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, और इसे पूरा करने के लिए हमें अधिक से अधिक एग का सेवन करना चाहिए
अंडों का सेवन करना चाहिए, इसी के साथ साथ दालों का सेवन अधिक करें, सब्जियां हमारी भोजन में अधिक मात्रा में हो, और जो डाइट हो वो हमारी बैलेंस्ड होना चाहिए ताकि विटामिन B12 हमें भरपूर मात्रा में मिल सके और इस तरह के सिम्टम्स से हमें निजात मिल सके। दोस्तों, हमारी जीभ एक आईने की, शरीर के आईने की तरह होती है, और जीभ में जब भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो वो हमारे पेट के सिम्टम्स को दिखाती है। अगर आपकी जीभ में क्रैक आ रहे हैं या उसमें से खून निकलता है, बहुत ज्यादा मुंह में छाले होते जाते हैं, या जीभ के ऊपर सफेद कोटिंग हो गई हो, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं आपके शरीर में ईस्ट के ओवरग्रोथ की। ईस्ट का ओवरग्रोथ हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन और पेट की संबंधित बीमारियों के कारण होता है, और इस तरह पेट की बीमारियों और कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए, जीभ में जो सफेद टंग हो रही है उसको रोकने के लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, खासकर गुदेदार फल जैसे कि सेवफल और केले इत्यादि का सेवन हमें, पपीता अधिक मात्रा में करना चाहिए, जिससे हम इस तरह की कॉन्स्टिपेशन की और छाले और ये टंग की प्रॉब्लम से हम आसानी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, अब अगली कंडीशन आती है हमारे शरीर में, अगर आपका हेयर फॉल होता जा रहा है, बहुत अधिक बंच में हेयर फॉल हो रहा है, साथ साथ नाखून के आसपास की जो स्किन होती है वो कटती जाती है, उसमें से खून निकलने लगता है, इसके साथ में आपकी धड़कन बहुत तेज चलती है, अगर आप उस होकर उठते हैं तो आपको चक्कर भी आते हैं, साथ साथ आपके शरीर में हमेशा ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कमजोरी आने वाली है और आप गिरने वाले हैं, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं आपके शरीर में बायोटिन की कमी के, बायोटिन की कमी से। बायोटिन की कमी हमारी डाइट में इम्बेलेंस के कारण मेनली होती है, और न केवल हमारे इस तरह के सिम्टम्स बल्कि पूरी बॉडी और पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन्स जहां जहां भी होती है वो इफेक्ट होती है। तो जब हमारी डाइट इम्बेलेंस होती है तो हमारे शरीर में बायोटिन की कमी देखने को मिलती है। अब हम बायोटिन की कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें डाइट का प्लान हमारा प्रॉपर होना चाहिए, हमारा ब्रेकफास्ट टाइम पर हो, लंच और डिनर का टाइम डिसाइड होना चाहिए, हमारा टी का और जो मिडिल का ब्रेकफास्ट है उसका टाइम डिसाइड होना चाहिए, और उसका जो ड्यूरेशन है साथ साथ उसकी मात्रा कितनी हो वो भी डिसाइड होना चाहिए। अगर डाइट हमारी बैलेंस्ड होगी तो हम बायोटिन की कमी को हमारे शरीर में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स जिसके थ्रू हम हमारी बॉडी को चेक कर सकते हैं और हमारी बॉडी में हम जान सकते हैं कि किन किन चीजों की कमी है और कौन कौन से पदार्थ थे जिनके द्वारा हम इन कमियों को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लोगों में जागरूकता करें, और ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके अपने शरीर को स्वस्थ बना सकें। धन्यवाद।